मीरा भाईंदर की पूर्व महापौर भाजपा नगर सेविका गीता जैन और उनके सहयोगी के खिलाफ भाजपा नगर सेवक दिनेश जैन ने नया नगर पुलिस स्टेशन में अपने और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। दिनेश जैन की माने तो गीता जैन कल रात बिन बुलाए उनके शांति पार्क के गरबा पंडाल में अपने कुछ सहयोगियों के साथ आई और जबरन गरबा आयोजकों से उनका सम्मान करने और मंच पर माइक देने को कहने लगी, मगर जब मंडल के लोगों ने इनकार किया तो उनके साथ हाथापाई की गई, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। क्या घटना हुई है और ऐसा क्या हुआ जो आपके नवरात्रि बंद हो गई? हमारी नवरात्रि एकदम अच्छे से चल रही थी, वहाँ पे आपके जबरदस्ती वो घुस गए और बोले कि हमारा स्वागत करो, हम लोग हमारे काम में बिजी थे और अंदर आके जबरदस्ती मारा मारी की। हमारे ऊपर जेंट्स और लेडीज ने हाथ उठाया और मेरे हस्बैंड को मारा, उनके ऊपर भी हाथ उठाए। सब गलत किया उन्होंने, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं, हम फैमिली वाले, फैमिली फंक्शन कर रहे। किस किस कारण की वजह से हाथ उठाया ये? सम्मान करो, हम आए तो पब्लिक के सामने हमारा सम्मान करो। तो आपके ऊपर हाथ उठाने वाले पुरुष भी थे जो आपके करीब आए थे? लेडीज भी थे, जेंट्स भी, पांच छह जेंट्स ने हाथ उठाया और लेडीजों ने भी बहुत मारा हम लोग को। दिनेश जी, आप सिटिंग नगर से हो गए, आपकी नवरात्रि थी, क्या आपने उनको बुलाया था? नहीं सर, हमने उनको कोई न्योता नहीं दिया था। हमारे मीरा बंदर के जो डिंपल मेहता जी है महापौर, अभी उनका ऊपर आए थे, उनके हम स्वागत कर रहे थे, तो वो अचानक अपने कुछ बॉन्सरों के साथ में लेके स्टेज पर दमदम घुस गए। तो फिर हमने बोला कि हमने तो आपको बात ही नहीं किया हमने उनसे, फिर हम हमारे वो जो उनका स्वागत होगा महापौर मैडम का, तो हमने राष्ट्र अपना संगीत चालू किया। संगीत चालू करने के बाद में हमारी प्रथा है कि हम नवरात्रि में, जब नवरात्रि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में हम हर दिन राष्ट्रगीत लेते हैं, तो हमने राष्ट्रगीत शुरू किया था जनगण मन, तो राष्ट्रगीत को बीच में रुका के माइक खींचा, माइक छोड़ा उन्होंने और मेरे को यहाँ पे नपुंसक से दो तीन लेडीजों ने मेरे ऊपर हाथ डाला और फिर मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मुझे नीचे उतार दिया और उनके जेंट्स लोग भी बहुत सारे थे, बॉन्सर थे, 10-12 जेंट्स थे सर, और लेडीजों को वो लाके हथियार ढाल बना के हमारे ऊपर बहुत किया। और हमारे मीरा रोड के अंदर, मीरा भाईंदर के अंदर, वहाँ पे वो फैमिली नवरात्रि, वहाँ सब लेडीज, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आज 5 साल से वहाँ पे इतना क्राउड रहता है, आज तक एक सिंगल कंप्लेंट नहीं आई है, इतनी शांति से हो रही है। इन्होंने पहली बार लोगों में एक दहशत का माहौल वहाँ पे पैदा कर दिया है। अभी लोग वहाँ डर रहे थे, रो रहे थे, बोलते भैया अपनी नवरात्रि में ऐसा क्यों हो रहा। मैं बोला कि हमने नहीं बुलाया, लेकिन वो क्यों राजकारण के लिए कर रहे पता नहीं सर। दिनेश भाई बताइए, एक मारपीट की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली हम पिछले 5 साल से वहाँ पे मेरे प्रभाग के अंदर सेक्टर नंबर 3 के अंदर हम नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक से 5 साल से हम मनाते आ रहे हैं। इस साल
अभी 3 दिन हमारे बहुत ही शांति से गए। अभी 14 दिन था वहाँ पे। अभी जस्ट महापौर 9:45 पे महापौर हमारे वहाँ आए थे, डिंपल मेहता जी। हम सभी उनका स्वागत कर रहे थे, तभी गीता जैन जी, वो अपने 10-15 कार्यकर्ता, लेडीज जेंट्स और बॉन्सर 10-15 लोगों को लेके धड़ाम से सबको स्टेज पे घुस गई थी। और घुसने के बाद में उसने कहा कि मेरा स्वागत करो। कार्यकर्ता कुछ ज़बरदस्ती बोलते हैं कि इसका स्वागत करके लो। तो मैं बोला कि जब प्रोग्राम चालू हो उसके बीच में स्वागत क्यों होना चाहिए, जब इतनी पब्लिक का और हमारे पास में टाइम 10 बजे तक का है, तो उसके अंदर मैं पब्लिक को देखूँ कि पहले उनका स्वागत करो 5 मिनट रात हो। तो भी हमने बोला कि रुको तब होएगा। तो उसके बाद में उसने उनके पीछे जो खड़े थे उन्होंने एक जैन धर्म की महिला होते हुए, अहिंसा का हमारा धर्म है जैन धर्म, लेकिन फिर भी मैं जैन होते हुए, उसने दूसरे गुंडे तत्व के लोगों को बोला कि मुझे मारे। मेरी वाइफ जो 8 दिन उपास रखती है, कुछ नहीं खाती है, उसको भी उन्होंने जेंट्स ने लेडीज़ ने हाथापाई की, उसको गिराया और इतनी अभद्र गाली दी कि आप सुन भी नहीं सकते हो। और मुझे भी वो उन्होंने मारामारी की, मेरे साथ में माइक तोड़ दिया। और जब हमारा राष्ट्रगान शुरू था तो वहाँ पे उनके साथ में जो महिला आई थी उसने राष्ट्रगान, जब हम लास्ट में हर नवरात्रि में जब हमारा पूरा हो जाता 10 बजे तो हम राष्ट्रगान लेते हैं, तो राष्ट्रगान जब शुरू किया जनगण मन, तो जनगण मन भी उसने माइक खींच के तोड़ दिया और हमारे राष्ट्रगान का भी अपमान किया उन्होंने। और ये बहुत ही मतलब डरावना माहौल वहाँ पे कर दिया कि लोग, अच्छा हुआ कि मैंने बहुत शांति से और शोभा मतलब शांतिपूर्ण रवैये के हिसाब से मैंने वहाँ पे लोगों को समझाया माइक लेके कि कोई बात नहीं, आप लोग शांति से चले जाइए, अपन कल करेंगे नवरात्रि, कोई भी आवेश में नहीं आवे, क्योंकि सारी पब्लिक इतनी गुस्से में आ चुकी थी जिस हिसाब से उन्होंने वातावरण स्टेज पे चढ़ पे किया। अगर किसी भी अगर आपके ही कोई कार्यक्रम में कोई आके ज़बरदस्ती करेगा तो आप क्या करोगे? सर किसी ने बुलाया था क्या उनको? नहीं, हमारे मंडल में से तो किसी ने नहीं बुलाया था। और अगर व्यक्तिगत अगर किसी ने बुलाया भी हो तो उसका वो मसला है ना, क्योंकि मैं नवरात्रि मैंने मेरी सारी परमिशन मेरे नाम पे रहती है और मैं ही सब ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैं बुलाऊँ तो बात बनती है ना। इसकी जानकारी आपको नहीं? मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी और मैंने पहले दिन से ही सबको स्पष्ट बोला था मंडल को कि भाई कोई भी आप गीता जैन को यहाँ पे लेके आओगे उसके बाद में कोई भी माहौल गर्म खराब मत करना, क्योंकि वो गलत भाषण करेगी, ये करेगी तो माहौल ख़राब होगा। और मुझे शांति से चाहिए, मैं क्योंकि हम लोग है ना नवरात्रि में उपास रखते हैं 9 दिन अखंड, तो हम लोग है ना, और हम जैन होने की वजह से हम अहिंसा के मार्ग पे चलना, कि हमको हिंसा जरा भी पसंद नहीं है। तो हम पुलिस भी प्रोटेक्शन लेते हैं वहाँ पे, हम बाउंसर भी रखते हैं कि लोगों को सेफ्टी रहे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ, और 5 साल में एक सुई तक नहीं गिरी हमारे नवरात्रि में। और पूरे पब्लिक इतनी डरी हुई थी, लेकिन हमने पब्लिक को समझाया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया, दिनेश भाई हम सब आपके साथ में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नवरात्रि मंडल की जो कमेटी है उसमें मिलल पाटिल और विपुल करके कोई है, उन लोगों ने उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको बुलाया था, क्या कहेंगे इस पर आप? मिलन भट्ट करके उधर नवरात्रि के अंदर वो है, लेकिन उसने मुझे जब हमारी जब स्टार्टिंग में जब हम लोग नवरात्रि करने के लिए जब कमेटी बैठी थी तभी हमने उस चीज़ को डिस्कशन उसने किया था। मैं बोला कि अगर करना है तो इसके अंदर मुझे राजकारण नहीं चाहिए और आप गीता जैन को नहीं बुलाओगे ये स्पष्ट है। उसने बोला था कि कोई भी, मैं गीता जैन के यहाँ पे काम भले नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा, उसने वादा किया था। उसने 7 बजे भी मुझे पूछा था तो भी वो ज़बरदस्ती लेके आया मेरे मना बोलने के बाद में भी। मैंने बोला कि कोई भी मुझे वातावरण नवरात्रि में इतना पब्लिक का ये प्रोग्राम है उसके अंदर मुझे कोई भी विघ्न नहीं चाहिए, अगर उसको दर्शन करना है तो दर्शन करके जा सकती है, उसके अंदर सब आए जाए कोई नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो साफ है कि कमेटी के मेंबर ने ही उनको बुलाया था, वो खुद से चलकर नहीं आए थे। नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो चल के नहीं आए थे, वो हर जगह पर चल के जाती है, जब नहीं बुलाते वहाँ पर भी वो चले जाती है। नहीं, उनका कहना है कि हमें इनविटेशन दिया गया इसलिए मैं वहाँ पर गई। ऐसा किसने इनविटेशन दिया? एक उनको कार्ड बताओ उनके नाम का, मैंने जो छपाया हुआ जो कार्ड बांटे उनको बोलो मेरा कार्ड बताओ उसके पास में है तो। अभी आप लोग पुलिस स्टेशन में आए, आपने शिकायत दर्ज की, हाँ। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? मामला यही है अभी कि जो हमारे साथ में जो घटना घटी है हमने सारे पुलिस स्टेशन में बता दिए, मेरी वाइफ को भी धक्का मुक्की की, मारामारी की, गाली गलौज की, और हमारी दोनों की जो छवि थी इतने सालों की इतनी गंदी गंदी गाली दे के हमारी छवि को इन्होंने खराब किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई जैन व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, क्योंकि ये जैनों को शोभा नहीं देता, मैं तो बोलता हूँ किसी को भी शोभा नहीं देता है। हमारे धर्म में तो जैन होने के बाद में आप गाली देना बोलो तो गलत चीज़ है।
और वो हर एक में गलत चीज है। इतनी पब्लिक में गाली दे रहे हो तुम्हारे कार्यकर्ता, तो तुम रोक नहीं सकते, तुम भाषण दे रहे हो वहाँ पे, पब्लिक को भड़का रहे हो। आपकी शिकायत में पुलिस ने क्या उन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है? हाँ, अभी हमारा सरकार का मामला दर्ज किया है और किन किन लोगों के शिकायत में नाम अभी है ना सर? अभी हमने FIR के मतलब हमने बोला है लो हमारी, तो हमारी कंप्लेन उन्होंने सुनी है और लेना शुरू है। जैसे आपको होएगा वैसा उसको आपको कॉपी भी मिल जाएगा। अभी भी प्रोसेस चालू है, मतलब अभी हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से पब्लिक जो इनके साथ में लेडीज हो गए, तो वो भी काफ़ी घबराए हुए लोग, तो वो बार बार फोन आ रहे हैं, काफ़ी मिलने आ रहे हैं। लेडीज लोग बहुत सारे है जो घबरा गए हैं, तो अभी वो धीरे धीरे नॉर्मल मेरी वाइफ हो जाती है, तो फिर शुरू करते हैं। उनका भाषण खत्म हुआ, वो नीचे उतरे, तो हमारे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मिलन भाई, विपुल भाई वगैरह ने, उन्होंने ये कहा कि अब हम पूर्व महापौर का भी सम्मान करके उनको माइक देना चाहते हैं। इस बात से दिनेश जैन को शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने आनाकानी की। वो स्टेज उस तरफ था, इसलिए एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, दूसरी तरफ का स्टेज था कि एक्चुअली क्या बोला चली हुई, लेकिन आवाज़ जब बढ़ने लगा तो नाम्बेयर जी उन्हें समझाने गए और मेरे साथ मेरी एक साथी गीता जी और दूसरी लेडी थी, तो उन्होंने जाके उनको समझाना चाहा कि झगड़ा मत करो, बल्कि दूसरे को तो मैंने ही भेजा कि आप उनको समझा के ले आइए, हमें कोई ऐसा सम्मान कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उन्हें समझाने गई थी कि आप झगड़ा ना करें, मैडम आपको बुला रही है और जाने की बात कर रही है। तो अब ऐसा कुछ जो सुनीता जी कह रही है, जो आप बता रहे हैं, वैसा कुछ हुआ तो नहीं था, मैंने नहीं बार देखा। बार बार आपके साथ में इस तरह के हादसे क्यों पेश आ रहे हैं? शायद जानबूझ के। मैडम ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपको BJP की तरफ से टिकट नहीं मिला, तो ये उसकी एक बौखलाहट का नतीजा है। आज आपने वहाँ पर जाकर जो किया, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं क्यों बौखलाऊं भाई? मैंने तो अपनी बौखलाहट दिखलाई नहीं, बल्कि मैं तो स्टेज से हिली भी नहीं। कुछ लोग थे मेरे साथ, फ़ोटो निकालना चाह रहे थे, तो मैं उनके साथ फ़ोटो निकलवा रही थी, कोई कुछ पूछ रहा था उनकी जवाब दे रही थी। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि वहाँ मुझे जो जानते थे, उन्होंने आके खेद जताया कि दिनेश जी का ये बर्ताव ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जिनको जो बर्ताव करना है करें, अपनी अपनी मानसिकता है, किसी का सम्मान देने से भी सम्मान नहीं बनता है। दिनेश जैन जी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि आपके समर्थकों ने, जो महिला समर्थक है, उन्होंने उनके साथ में धक्का मुक्की की है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो शांति से उनको समझाने गए थे कि मैंने कहा ही कि एक को मैंने भेजा था कि आप समझा के उनको वापस ले आइए, हमें ऐसा सम्मान नहीं कराना है। तो वो समझाने गए थे कि मैडम जाना चाहती हैं तो आप लोग प्लीज़ आए, क्योंकि जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, मैं चाहती थी कि वो उनको मैं इंटीमेट करके नीचे उतरूँ, ऐसे ही नीचे उतर जाती तो उनका अपमान होता, इसलिए मैंने भेजा था कि आप ज़रा उनको बुला के बोल दीजिए कि मैडम जाना चाहती है। लेकिन मैडम, ये भाजपा वर्सेस गीता जैन का तूल पकड़ रहा है इस बात। देखिए, अब भाजपा के साथ और अगर गीता जैन अकेली उसमें ये बौखलाहट है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नया नगर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ में मामला दर्ज किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से आपको कोई फोन आया या कुछ बातचीत हुई आपकी? जी नहीं, मुझे ना कोई फोन आया ना कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नया नगर थाने के अंतर्गत शांति नगर सेक्टर 3 में नवरात्र उत्सव के निमित्त से गरबा का आयोजन था। 9:50 पर वहाँ गरबा के स्टेज पर गीता जैन मैडम, उसके साथ में 3-4 महिला और 10-12 बाउंसर और 5 से उसके नज़दीक के जो लोग थे वो आए, और सत्कार करने के इस पे से उनके आपस में बाचाबाची हुई, झगड़ा हुई, धक्का बुक्की हुआ। ऐसी कंप्लेंट नया नगर थाने में श्रीमती सुनीता जैन ने दी है। इससे नया नगर थाने में ऑफेंस रजिस्टर नंबर 331, IPC 354, 143, 147, 149, 323, 5527 सह मुंबई पुलिस कायदा 37(1)(3)
137 के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर्ड है। इस पे मामला दर्ज हुआ है, ये मामला अरेस्ट है। इसमें श्रीमती गीता जैन, नारायण नाम्बियार, डॉक्टर जितेन जोशी, मिलन भट्ट, राजेंद्र मोरे, धवल मकवाना, गीता जैन, इनके पीए और 3-4 महिला, 10-12 बाउंसर, नाम पता पता नहीं, ऐसे इनके खिलाफ एफआईआर दिया है। किन धाराओं के तहत इस पर मामला? धाराएं हैं आईपीसी 354, 143, 147,